हेलो, कैसे हैं आप? ये 3 बेडरूम का फ्लैट सेल करना है। सेकंड फ्लोर वेस्ट ओपन, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, लिफ्ट नहीं है। टोटल 3 मंजिल की बिल्डिंग है। जेसन वीआईपी अपार्टमेंट, ब्लॉक 7, क्लिफ्टन, नियर सन माइकल स्कूल, नियर माइकुलाची रोड, नियर बोर्डबेसन, ब्लॉक 7, क्लिफ्टन, कराची। ये फ्लैट अब मैं आपको विज़िट कराता हूँ। इस फ्लैट के 2 दरवाज़े हैं। ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है और ये लाउंज का दरवाज़ा है। तो यहाँ से हम फ्लैट में एंटर हो रहे हैं। एंटर होते ही हमारे लेफ्ट पे ये किचन है। किचन के साथ आपका वॉशिंग एरिया है, बालकनी है छोटी सी। ये इसका पहला बेडरूम है। ये इसका अटैच बाथरूम है। ये इसकी बालकनी है, दूसरी एक किचन के साथ थी, एक बेडरूम के साथ है यहाँ पर, जो कंपाउंड में खुल रही है अंदर बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग का व्यू है अंदर का। इस बेडरूम से दरवाज़ा है गैलरी के लिए और इस बेडरूम से खिड़की है गैलरी के लिए। तो पहला बेडरूम ये हो गया। ये इसका ड्राइंग रूम है। इसका रास्ता बाहर से भी है। इन्होंने ड्राइंग रूम की दीवार निकाली हुई है, आप चाहें तो दोबारा लगा सकते हैं। ड्राइंग रूम इसका वेस्ट ओपन है, लाउंज इसका वेस्ट ओपन है और एक यहाँ पर बेडरूम है वो भी वेस्ट ओपन है। सामने पार्क फेसिंग है। ये इसका दूसरा बेडरूम है। ये इसकी विंडो है जो बालकनी से कनेक्टेड है। ये बालकनी हुई वही वाली जो कंपाउंड में खुल रही है। ये दूसरा बेडरूम हो गया। ये इसका वॉशरूम है। फ्लैट क्योंकि बंद पड़ा है तो इसको काम की ज़रूरत है। ये इसका तीसरा बेडरूम है। ये वेस्ट ओपन बेडरूम है। ये इसका बाथरूम है। ये खिड़की दी हुई है। ये इसकी मेन बालकनी है जो वेस्ट ओपन की तरफ खुल रही है, सबसे बड़ी बालकनी। टोटल 3 बालकनियां हैं इसमें, एक किचन के साथ, एक कंपाउंड के साथ जो बेडरूम है उसमें, और एक ये लाउंज में। ये काफ़ी बड़ी बालकनी है। ये लाउंज की खिड़की है, ये बेडरूम की खिड़की है। ये पार्क फेसिंग है।
वो सामने सीब्री सुपरस्टार है, उसमें भी अगर फ्लैट चाहिए तो मिल जाएगा। ये पार्क फेसिंग है, ये माइकुलाची रोड है, सीधे हाथ पे माइकुलाची रोड है, उल्टे हाथ पे बोर्ड बेसन है। और ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है, फ्लैट है। इस तरह का अगर आपको फ्लैट चाहिए तो इसी लाइन में एक फ्लैट मैं सेल कर रहा हूँ, यहाँ बराबर में ये वाला, ये मिल जाएगा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ से मैं एंटर हुआ था, ये इसका किचन है, किचन के साथ वो बेल्कनी है, फिर ये एक बेडरूम है, इसके साथ बेल्कनी अटैच बाथरूम है, ये दूसरा बेडरूम है, इसके साथ अटैच बाथरूम है, और ये खिड़की दी हुई है कंपाउंड की बेल्कनी के साथ, ये इसका तीसरा बेडरूम है, इसमें वेस्ट ओपन ये खिड़की दी हुई है, वो उसका अटैच बाथरूम है। तीन बेडरूम, तीन अटैच बाथरूम, एक ये लाउंज हो गया, एक ड्राइंग रूम हो गया जिसका रास्ता बाहर से भी है बोरा, और ये आपका लाउंज के साथ बेल्कनी है। तो ये प्रॉपर आर पार फ्लैट है, सेकंड फ्लोर वेस्ट ओपन, एक फ्लोर पे दो फ्लैट है, तीन मंजिल की बिल्डिंग है, लिफ्ट यहाँ नहीं है, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, रिहाइश के लिए बहुत अच्छा है, रेंटल इनकम के लिए बहुत अच्छा है। ये जेसन वीआईपी अपार्टमेंट है, मेन रोड का प्रोजेक्ट है, और ये FL4 प्लॉट नंबर है, 9555 गज़ का ये प्लॉट है। फ्यूचर में हो सकता है कि कभी किसी की किस्मत खुल जाए तो ये बिल्डिंग बिक सकती है, क्योंकि वो ग्राउंड प्लस 3 की मेन रोड की बिल्डिंग है। जब माइकुलाची रोड से आप आते हैं तो उल्टे हाथ पे ये दूसरी बिल्डिंग पड़ती है, और यहाँ बोर्ड बेसन भी करीब है, सन माइकल स्कूल करीब है, पीछे बाथालैंड भी है, तो फ्यूचर में हो सकता है ये बिल्डिंग भी बिल्डर ख़रीदने आ जाए। वो आपकी किस्मत पे है, कब किस्मत का सितारा बदल जाए किसी को नहीं पता। तो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? मेरा नाम राजेश परवानी है, मैं इस वक्त खड़ा हूँ जेसन वीआईपी अपार्टमेंट, सेकंड फ्लोर वेस्ट ओपन, ये फ्लैट सेल करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे रब्ता करें। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, रेंटल इनकम के लिए बहुत अच्छा है, रिहाइश के लिए बहुत अच्छा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। फ्यूचर में आपकी किस्मत खुली, बिल्डिंग बिक गई, तो जो इसकी मार्केट होगी उससे ज़्यादा ही बिल्डर आपको पैसे देगा। ये सब किस्मत का खेल है, प्रॉपर्टी और नसीब का खेल है। तो मेरा नाम राजेश परवानी है, मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 0301-825-9157 और 0301-260-4470। इस बिल्डिंग में टू बेडरूम के फ्लैट भी हैं, थ्री बेडरूम के छोटे बड़े फ्लैट हैं, ये बड़ा वाला फ्लैट है, और इसमें थ्री बेडरूम के ग्राउंड फ्लोर पे सेपरेट गेट के साथ फ्लैट है। तो मेरे पास इस बिल्डिंग में टू बेड भी है, ये थ्री बेड भी है, और थ्री बेड ग्राउंड फ्लोर सेपरेट गेट के साथ है। इसमें कैटेगरी वाइज फ्लैट्स हैं और मेरे पास सारे अवेलेबल हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मुनासिब प्राइस होगी, उसमें आपको मिल जाएगा। और यही मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बराबर की घंटी बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको प्रॉपर्टी के हवाले से अपडेट मिलती रहे। क्लिफ्टन डिफेंस, DHS सिटी और भैरिया टाउन का काम तो मैं करता ही हूँ, इसके अलावा रेंट और सेल का, इसके अलावा पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में कोई भी काम होगा मैं कोशिश करूँगा। करंटली मेरी रिहाइश क्लिफ्टन में ही है, और मेरा ऑफिस जो है वो ग्रेस इंटरप्राइजेस के नाम से फेस टू एक्सटेंशन डिफेंस कराची में है, और मैं पिछले 25 साल से इस कारोबार से वाबस्ता हूँ, मतलब रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। लोगों को मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिलाई हैं, बहुत फ़ायदा हुआ है। तो रेंट के हवाले से कोई काम हो, सेल के हवाले से कोई काम हो, तो आप मुझे ज़रूर रब्ता करें। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी रिनोवेशन, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको कोई भी काम हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मशवरा भी आप कर सकते हैं। कभी आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी हो, या ऑलरेडी आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो और आपको डॉक्यूमेंट का कुछ छोटी बहुत चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है मशवरा। बाकी जो काम हम करेंगे उसके जो नॉर्मल चार्जेस हैं हम वही लेते हैं। इसके अलावा मैंने पार्ट टाइम शोबिज़ में भी काम किया है, TV एड और ड्रामों में। अगर उस हवाले से आपके पास मेरे लिए कोई काम हो तो ज़रूर बताइएगा। ज़्यादातर मुझे जो रोल मिलते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, फादर, बिजनेसमैन, इस तरह के रोल मिलते हैं। आजकल पाकिस्तानी फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं, मेरा शौक़ है कि उसमें भी मुझे एक रोल मिले जिसमें मैं दिखाई भी दूँ, सुनाई भी दूँ। तो ऐसा कोई काम आपकी तरफ से अगर मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम हो, शोबे से रिलेटेड कोई भी काम हो, आप ज़रूर मुझे अपनी खिदमत का मौका दें, मुझे याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों यारों को बताएँ।
ताकि आपकी वजह से मुझे काम मिल सके। अपना ख़ास ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, आसपास सफाई रखें, खुदा आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू।